अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू राही आरिश व्लॉग्स। तो आप सभी लोगों का मेरे व्लॉग में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ मुंबई टूर। तो आज हम जा रहे हैं मुंब्रा से मुंबई, वो भी ट्रेन से। और मेरा बेबी भी पहली बार ट्रैवल कर रहा था ट्रेन से। तो ये देखिए, हम लोग मुंब्रा के प्लेटफॉर्म पे पहुँच चुके हैं। मुंब्रा से अभी हम जाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, वहाँ से लेंगे मुंबई टू CST की ट्रेन। मस्जिद बंदर हम लोग उतरेंगे, और मस्जिद बंदर उतरने के बाद वहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगी कि वहाँ से कैसे मार्केट लगता है और मार्केट के लिए वहाँ से कैसे जाना है आप लोगों को। तो ये देखिए, हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे पहुँच चुके हैं। अभी हम लोग ट्रेन का वेट करेंगे, ट्रेन आते ही हम ट्रेन में चढ़ जाएंगे और फिर डायरेक्टली आप लोगों को मिलेंगे मस्जिद बंदर स्टेशन पे। तो देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 में कितना क्राउड है गाइज। और आज तो सैटरडे था तो इसलिए क्राउड इतना कम है, वरना डेली तो बहुत ज़्यादा ही क्राउड रहता है। ये देखिए, मेरा बेबी, मेरा हस्बैंड और मेरी मम्मी, हम चारों लोग चल पड़े थे मुंबई मस्जिद बंदर मार्केट टूर के लिए। आरिश किधर है? आरिश, आशु, आशु तो गाइस अभी हम लोग मस्जिद बंदर पहुंच चुके हैं। ये देखिए, तो अभी हम लोग मस्जिद बंदर उतर चुके हैं। ये देखिए मेरा भाई आर्श, आर्श बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, अभी हम लोग मस्जिद बंदर उतरे हैं। हाँ, अभी हम लोग मस्जिद बंदर उतर चुके हैं। अभी हम लोग आप लोगों को लेके जाएंगे, मनीष मार्केट में मिलता है ना सारा सामान। हाँ, पहले हम लोग अभी कुछ लंच करेंगे, कुछ खाएंगे, स्ट्रीट फूड, प्रॉपर स्ट्रीट फूड आज आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरी मम्मी ने बताया यहाँ पे बिरयानी बहुत अच्छी मिलती है, तो वही खाएंगे, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिर आगे मिलेंगे डायरेक्टली मनीष मार्केट में। तो ये है मस्जिद मंदिर का फ्लाईओवर गाइस। तो हम लोग अभी मस्जिद मंदिर के फ्लाईओवर पे जा रहे हैं। तो फ्लाईओवर ख़त्म होते ही यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो जाता है। मैं भी आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, नीचे आप लोग देखना कि जैसे ही फ्लाईओवर ख़त्म होता है वैसे ही मार्केट लगना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हम लोग नीचे उतर जाएंगे। और यहाँ पे ना गाइस, अपना अपना मोबाइल बहुत ध्यान से रखना, यहाँ पे मोबाइल स्नैचेस बहुत रहते हैं। तो बहुत डर लग रहा था मुझे भी शूट करते वक्त। तो ये देखिए, अभी हम लोग नीचे उतर चुके हैं और यहीं से मार्केट शुरू हो जाएगा। ये देखिए, छोटी मोटी चीज़ें तो आप लोगों को यहीं से मिलना शुरू हो जाएगी, जैसे कि मोबाइल के ईयरफोन्स, कॉर्ड्स, कवर्स और बाकी खाने पीने के छोटे मोटे स्टॉल लगे मिलेंगे यहाँ पे आपको, सॉक्स। तो ये सब चीज़ें तो यहीं से शुरू हो जाती है। बाकी जो बड़ा मार्केट है वो अभी देखो, यहाँ से जब हम लेफ़्ट लेंगे और राइट लेंगे तो वहाँ से बड़ा मार्केट शुरू होता है मस्जिद बंदर का। चलो गाइस, अभी मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ मनीष मार्केट। जोर से बोलो, इसमें आवाज नहीं आती ना, अपने पास अभी माइक नहीं ना। अभी अपन, हाँ गाइस, हमारे पास है ना अभी यूट्यूब के लिए कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जिससे यूट्यूब का प्रॉपर वीडियो व्लॉग किया जाए, इसके लिए हम लोग रही हाँ मनीष मार्केट जा रहे है। उनके पास सारे गरम मसाले अवेलेबल है, जैसे स्टेशन से उतरेंगे ना तो वहीं पे ही रहते। ये वाला क्या प्राइस है इसका? 250 रुपये में। अच्छा है ना, चाहिए आपको? दिखने में अच्छा लग रहा है। 250 रुपीस ओनली लेना है आप। तो अब यहाँ से रोड क्रॉस करते ही सामने मार्केट है, तो यहाँ से मार्केट लगना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए, मेरे हस्बैंड अभी आप लोगों को बताएंगे। अभी हम लोग मार्केट में एंटर कर चुके हैं। ये देखिए, मार्केट यहाँ से शुरू हो जाता है। तो अभी पहला मेरा बेबी को हम लोग फीड करवाने जा रहे थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था उसने फीड नहीं किया था और ना इसने कुछ खाया था। तो यहाँ पर ना लेफ्ट हैंड साइड में एक मुसाफिर खाना था, तो जैसे कि वहाँ पर हम लोग बैठ सकते हैं, नमाज अदा कर सकते हैं। बीबी वगैरह है जिनके छोटे छोटे, उनको फीड वीड करवाना हो आप लोग को, तो आप लोग करवा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा बनाया था,
तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ही है वो, तो मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है ये, बहुत आलीशान था। और नमाज वगैरह जेंट्स और लेडीज़ लोगों के लिए, दोनों के लिए है, तो आप लोग यहाँ पे नमाज वगैरह अदा कर सकते हो। तो देखिए कितना खूबसूरत है। और ये लोग वो लोग हैं जो लोग दूर दूर से आते हैं, तो यहाँ पे रूम भी अवेलेबल है गाइस, 1500 रुपया 5 लोगों के लिए 24 घंटे के लिए। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे अभी हम जाएंगे, वहाँ पे लेडीज़ लोगों का रूम है, वहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी है, नमाज रूम है, और बच्चे लोगों को खाने पीने के लिए मतलब बैठ सकते हैं आराम से, आप लोग फीड वीड करवा सकते हैं। तो मैं बस मेरे बेबी को लेके वहीं पे जा रही थी, तो हम ये सब करके फारिग होके नमाज वमाज अदा करके फिर हम वहाँ से निकले हैं आगे सफ़र के लिए, मतलब मार्केट टूर के लिए। अब हम खड़े हैं नाखोदा मोहल्ला। नहीं नाखोदा मोहल्ला है ये, तो अभी हम लोग नाखोदा मोहल्ला पहुँच गए। अभी हम लोग पीछे खाएंगे बिरयानी, बिरयानी खाएंगे, फिर मैं आपको आगे का ब्लॉग बताऊंगी। देखिए मेरे पीछे पूरी मार्केट है। ये खाती हो? नहीं। तो गाइज मैं बिरयानी बिरयानी तो बहुत काफ़ी टाइम से कर रही थी, बट हम लोग जैसे ही मार्केट तक पहुँचे और मुसाफिर खाने से होने के बाद, फीड वीड करवाने के बाद बेबी को, तो वो बिरयानी वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुका था, क्योंकि 4 बज चुके थे हम लोगों को। आ रही हूँ एक मिनट। ये बच्चे लोग टॉयज है। आज इसके लिए सॉस पैन, पैन है स्टिक की, नॉन स्टिक की। अच्छा सबसे बड़ा ग्रिलिंग के लिए। अच्छा लग गई, निकालो प्राइस। अरे तो वही देखने बोली। ये 1600 रुपया और ये 1200। वारंटी वगैरह है क्या? हाँ ना, ब्लैक वाली कंपनी है क्या? व्हाइट वॉल में बहुत अच्छी लगेगी। 1050 साइलेंट मूवमेंट आएगा। 1050। अच्छा वो साइलेंट वाली है, साइलेंट मोड वाली चल रही है ना, ऐसी आएगी। तो यहाँ से वॉच वगैरह देखकर हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, मतलब पसंद बहुत आई थी, पर प्राइस के अकॉर्डिंग हमको लगा कि मुंब्रा में हमको ज़्यादा सस्ती मिल जाएगी, तो हम वहाँ से निकल गए थे। तो ये मेरे हस्बैंड देख रहे थे मेरे बेबी के लिए टॉय, तो अभी वो बहुत छोटा है, तो उसके हिसाब से तो ये उसको बहुत मतलब नहीं था उसके लायक। और इसके लिए ये सही है, अम्मी असली वाला लेने वाले थे, ये सही है। कितने का ये? 50। 50 ऐसा क्या बोले? हाँ इधर बहुत अच्छा लगता, ऐसा है कि रोज इधर आओ, टाइम पास करो और शाम को निकल जाओ, और ऑफिस वगैरह नहीं जाने का। बड़ा होता है 100 रुपीज। कितने के हो? मसाजर चाहिए आपको? ये मसाजर है 450 का और वो है 850 का। अच्छा आ जाएंगे, बहुत भूख लग रही है। जहाँ से सामान लेना है मेन सामान। ये मैं कितने का है? अपने को भी किचन के पास के लिए चाहिए एक ऐसा वाला। कम नहीं करोगे?
मेरे बड़ा वाला नहीं, एक ही। ये कितना बोले? 200 बोल रहे। 200 हाँ। पानी सूखता है। और ये स्टिकर वाला मिरर 150 100 वो है हम लोग के पास। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घर के सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे, हैंड वॉश, फेस वॉश, बच्चों के टॉयज, रूम स्प्रे, परफ्यूम, मतलब सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ से खाना खाने के लिए चले गए थे, क्योंकि बिरयानी तो हमें मिली नहीं थी और सब लोगों को बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, क्योंकि 4:30 हो चुका था, शाम हो चुकी थी। तो हम यहाँ पे आ गए थे गुलशन ईरान में खाना खाने। ईरान ये होटल है यहाँ पे मुंबई में। बहुत भूख लग रही है गाइस, तो अभी हम लोग पहला खाना खाएंगे। सबसे पहला बहुत गर्दी है गाइस, और जो भूखा नहीं उसके लिए हालत भी, वो खाना नहीं खाया भूखा, वो भी हम लोग सब भूखे। देखो हम लोग सब भूखे, मीटिंग है अभी, देखते हैं कब तक। तो गाइस अभी हम लोग को सीट मिल गई है यहाँ पे रेस्टोरेंट में। अभी हम लोग देखिए बैठ गए हैं खाना खाने। बहुत यहाँ पे क्राउड है, बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छा लगे। तो हम जल्दी से यहाँ आकर बिरयानी हमने ऑर्डर कर दिया था और हम अपने खाने के लिए वेट कर रहे हैं। तो देखो अभी हमारी बिरयानी भी आ जाती है। तो हमने खाने में ऑर्डर कर दिया था बिरयानी, शाही टुकड़ा एंड कैरमल कस्टर्ड, 4 हंडी बिरयानी मंगाई थी हमने। और आप 4 हंडी बिरयानी सोच के मत सोचना कि 4 हंडी बिरयानी, इनकी बिरयानी की क्वांटिटी बहुत कम थी, बट हाँ टेस्टी बहुत थी, थोड़ी सी स्वीट थी बट बहुत टेस्टी थी। तो ये सेकेंड टाइम हमारा स्टार्ट हो चुका है, सेकेंड ट्रिप। राई किधर जा रही हो? इधर इधर अंदर जाएंगे। हाँ चलो। तो अब हम वहाँ से निकल चुके थे सहारा मार्केट और यार मार्केट बोलते हैं जिसे, तो वहाँ के लिए हम निकल चुके थे क्योंकि वहाँ से हमको लेना था ट्राइपॉड, माइक वगैरह लेना था हमारे शूटिंग के लिए। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पैंट्स, टी शर्ट, जूस, सब कुछ मिल रहा था, मोबाइल। तो ये मार्केट जो है वो फेमस है, यहाँ पे मोबाइल में मोबाइल बनता है और मोबाइल के सारे एक्सेसरीज मिलते हैं। इसका नाम है सहारा मार्केट, ये जस्ट मनीष मार्केट के अपोजिट पड़ती है। यहाँ पे मोबाइल रिपेयर वगैरह भी होता है। तो ये देखिए हम यहाँ पे ढूंढ रहे थे ट्राईपॉड, तो हमको यहाँ पे तो ट्राईपॉड नहीं मिला, वो मैं भी आप लोगों को बताऊँगी। यहाँ पे सिर्फ एक या दो शॉप्स अवेलेबल थी, मतलब जहाँ पे ट्राईपॉड वगैरह मिलता है, बाकी तो हमें यहाँ पे ट्राईपॉड नहीं मिला। तो फिर हम चले गए थे मनीष मार्केट। हमने बहुत ढूंढा यहाँ पे ट्राईपॉड वगैरह, पर यहाँ पे हमको नहीं मिला और बहुत थक भी गई थी मैं अंदर, बहुत देरी थी, हम सब बहुत थक चुके थे। तो अंदर ट्राईपॉड नहीं मिला तो फिर हम चले गए मनीष मार्केट के पास। चलो उधर देखते हैं। तो अभी क्या करेंगे? ढूंढते हैं अभी ट्राईपॉड कहाँ मिलेगा। ऑनलाइन तो अवेलेबल है यार, यहाँ पे एक शॉप हमें मिली थी तो, बट यहाँ पे जो क्वालिटी थी वो कुछ सही नहीं लगी हमको, तो हमने यहाँ से परचेज नहीं।
भाई वो लाइट वाला ट्राइपॉड है, सेल्फी स्टिक वाला है क्या, जिसमें माइक और लाइट भी रहना चाहिए। तो मायूस होकर अब हम यहाँ से निकल चुके थे, अब लास्ट सहारा यही बचा था मनीष मार्केट। तो अब हम जा रहे हैं मनीष मार्केट, देखते हैं वहाँ पे भी अवेलेबल होगा या नहीं, पता नहीं। मनीष मार्केट ही है ना ये, अच्छा चल तो देखते हैं। नहीं मिला कहीं भी, नहीं है यार यहाँ पे। लेने का है ना अपने को ट्राइपॉड वगैरह, माइक लेना है, ऑनलाइन में ले लो, ऑनलाइन में ऐसा रिव्यू देख के ना ऑनलाइन में ले लो, और अगर नहीं पसंद है तो रिटर्न कर लो। लेकिन मुंबई से लेंगे ना, इलेक्ट्रॉनिक चीज रिटर्न नहीं होती है, अरे कुछ टाइम पीरियड रहता है, नहीं होती है, एक्सचेंज होती है, रिटर्न नहीं होती है। और अगर सेकंड चीज अगर तुमको यहाँ से ही लेना है, देख दाख करो कि मुंबई में मतलब एरा बना देते अच्छे खाते लोग को, फिर वहाँ पर आना जाना ना बच्चे को लेके नामुमकिन वाली बात। तो गाइस देख के लेंगे हम लोग, अभी अल्लाह की मर्जी आगे कैसा अभी निकले हैं, बाकी तो देख के ही लेंगे। यहाँ से आए थे ना, यहाँ आज तक मैं भी नहीं गया, मैं नहीं गया। तो अभी हम लोग यहाँ नेक्स्ट लाइन में जा रहे हैं। मेरा सजेशन तो यही है मेरी सिस्टर को कि ऑनलाइन में मंगा लो, सस्ते में मिल जाएगा। हाँ, मैं भी चेक की थी ऑनलाइन, बाकी अगर फिर भी यहाँ से लेना है। एक्चुअली कल संडे है ना, इसके लिए आए थे। नेचुरली कल संडे, एक्चुअली नहीं। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलो। हाँ गाइस ब्लॉग बनाओ, टाइम मत वेस्ट करो, मनीष मार्केट जाते। तो अभी हम लोग को यहाँ पे तो कुछ नहीं मिला, तो अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं मनीष मार्केट जाने का। तो वहाँ जाकर अभी आप लोगों को मैं बताऊंगी, अगर वहाँ अवेलेबल होगा तो ज़रूर बताऊंगी। या तू दे रहे बात बार 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 दे दे रहना ये हाथ में, भूलने जाए तेरा बैगे बोल के मैं उठा लेती। देखा गाइस, अरे इधर टीपी लिंग का वो भी है, डॉक्टर पूछो। अभी ज्यादा बात नहीं कर मेरे व्लॉग में, तो गाइस व्लॉग बन गया है। गाइस बफेलो किधर है? गाइस ये देखो काओ काओ माओ काओ का जाने का, देखो कितना खुश है। गाइस बफेलो देखो, ये मालूम गिरा मालूम गिरा काओ का क्या बड़ा 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 काओ आओ तो जी जी गाइस गाइस दिस इज माय गाइस। तो ये मनीष मार्केट के पहले जो स्ट्रीट पे कुछ शॉप्स दिखी थी हमको ट्राइपॉड वगैरह की, बट ये कुछ स्टर्डी नहीं था, तो इसलिए हमने यहाँ से भी परचेस नहीं किया। मुझे चाहिए था जो स्टर्डी हो, लॉन्ग लाइफ तक काम कर सके, मतलब अच्छा रहे एकदम। और ये जो अवेलेबल था ना वो सारे प्लास्टिक के थे, मतलब प्राइस इनका 400-500 था, बट कुछ अच्छा नहीं था यहाँ पे। तो ये भाई ने हमको आगे की शॉप का रास्ता बताया कि ये आगे की शॉप में आप लोगों को सब मिल जाएगा, पर हम लोग वहाँ भी गए तो मुझे वहाँ भी कुछ समझ में नहीं आया, तो हम लोग ने यहाँ पे स्किप कर दिया लेना, और हम लोग फिर डायरेक्टली सीधे चले गए थे मनीष मार्केट ही। यहाँ पे इन अंकल के पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी, बट सेम चीज़ स्टडी नहीं था, लॉन्ग लाइफ नहीं दिख पाएगा, तो ऐसी चीज़ें लेके मतलब नहीं था ना गाइस। हम लोग को चाहिए था जो लॉन्ग टाइम तक रहे, अच्छा रहे, और क्वालिटी भी जिसकी अच्छी रहे, और प्रोडक्ट भी अच्छा रहे, अच्छा समय तक चल सके। तो यहाँ से भी हम लोग ने कुछ परचेज नहीं किया, हम लोग सीधे बढ़ गए थे आगे।
जा रहा मतलब बताओ ना मीरा निकाल हमें नहीं बहुत बड़ा लग रहा वहाँ बैग पहन लूँ क्या चलो तो चल रहा मेरे को दे दो मेरे को दो हम लोग को यहाँ पे भी नहीं अवेलेबल है यहाँ पे भी देख लिए हम लोग यहाँ पे भी कहीं भी नहीं मिला तो अभी हम लोग देख रहे हैं आगे चाइना मार्केट है तो वहाँ जाएंगे वहाँ देखते हैं मिलता है तो ठीक है यहाँ पे भी नहीं है ये है डिजिटेक ओके डिजिटेक तो अरे अमेजोन पे भी है ये डिजिटेक का तो हम लोग को यहाँ पे एक शॉप मिली है डिजिटेक करके है ये इसका नाम है डिजिटेक मनीष मार्केट डिजिटेक में है तो अभी यहाँ पे अवेलेबल है लेट्स सी यहाँ पे मिल जाते हैं हमको व्लॉगिंग का कॉम्बो या नहीं देखते हैं और मैं आप लोगों को बताती हूँ तो यहाँ पे हमको मिल गया था जैसा हमें चाहिए था वैसा मिल गया था ये देखो भाई ये वाला हमने लिया तो अभी यहाँ पे हम उसका चेक कर रहे थे माइक वगैरह कैसे काम करता है और वो कैसा है मतलब स्टडी तो है ना तो बहुत पसंद आया हम लोग को ये तो गाइज हम लोग ने इनके पास से ये वाला ट्राइपॉड सेल्फी स्टिक प्लस ट्राइपॉड लिया अभी इसका प्राइस क्या है वो तो मैं आप लोग को बताऊंगी जरूर कितने में फाइनल देते हैं फिलहाल तो इन्होंने कितना बोले प्राइस इसका ठीक है शॉप का एड्रेस वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ देखो बता दो MBS Enterprises अभी आप लाइट और माइक राही आरिश ब्लॉग आपको बता दो लाइट चलेगा तो गाइस अभी हम लोग कैसा ना माइक चेक कर रहे माइक की क्वालिटी कैसी है बोल के हाँ लगाओ तुम बात करो तो देखते हैं अभी माइक की क्वालिटी कैसी है माइक चेक हम लोग ने सेकंड माइक का चेकअप कर रहे हैं मतलब ऑपरेशन कर रहे हैं सेकंड माइक चेक हो रहा है देखते हैं कैसा है माइक की क्वालिटी हम लोग भी सारा ट्रैवलिंग वगैरह का सब डाल रहे हैं तो देखो भाई ये भाई की दुकान है यहाँ से हम लोग ने सारा सामान लिए है MBS Enterprises ये है मस्जिद बंदर में मनीष मार्केट में ओके CST से मनीष मार्केट CST मनीष मार्केट बाकी का एड्रेस मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी कार्ड पे इनके कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सब है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी नंबर और भी कर देते अगर आप हाँ बताओ भाई कुरियर भी कर दो ना आप जोर ही बोलो भाई थोड़ा कुरियर भी कर देते हैं भाई ये अगर कुछ लाइट वगैरह चाहिए देखिए इनके पास बहुत सारी वैरायटीज है हाँ बहुत सारी वैरायटीज है रिंग लाइट है अगर सब्सक्राइब करके आएंगे हमारे पास से डिस्काउंट मिल जाएगा हाँ भाई हमारे नाम लेंगे ना यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा हमारा नाम लेंगे यहाँ पे तो 10% ऑफ मिल जाएगा देखिए ऑन MRP 10% ऑफ मिल जाएगा हमारा राही आरिश ब्लॉग्स के नाम से आएंगे तो ठीक है ये भाई ने माशाल्लाह से बहुत अच्छी सर्विस दी हम लोग भाई इतना बिजी थे उनको अमेज़न में पूरा कुरियर करना था फिर भी हमको अच्छी सर्विस हाँ बहुत अच्छे से इत्मीनान से पुरसुकून से बताए हम लोग को बहुत अच्छा सामान भी दिए हम लोग को निकाल के नहीं 3000 हाँ क्या बोल रहे हैं बहुत सही चीज मिल गई है अरे वो थैली में डालना तो यहाँ से अब हम निकल गए थे क्रॉफर्ड मार्केट की ओर तो ये देखिए अभी हम लोग क्रॉफर्ड मार्केट के सामने जो मार्केट लगता है जहाँ पे ब्यूटी सेंटर है हम वहाँ पहुँच चुके हैं तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ का भी टूर दूंगी यहाँ पे सारे घर के सामान आर्टिस्टिक्स वगैरह अवेलेबल रहती है मतलब सभी चीज आप लोगों को होम डेकोर लाइटिंग सब कुछ आपको शैंडेलियर सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को यहाँ पे तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ का टूर दूंगी
तो ये देखिए ये मार्केट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे सॉफ्ट टॉयज वगैरह अवेलेबल थे सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज में ये सारे टॉयज थे, मतलब बेबी लोग के लिए सॉफ्ट टॉयज थे। तो मैंने भी यहाँ से बहुत कुछ परचेस किया है, मैं आप लोगों को बताऊंगी ज़रूर क्या क्या मैंने यहाँ से लिया है। देखिए ओनली 200 रुपीज़ में गाइस ये बहुत ही सस्ता था, मेरे हिसाब से तो ये बहुत चीप प्राइस में था। बाकी अगर आप लोग यहाँ आते हो तो ज़रूर देखना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ था ना गाइस, मेरी मम्मी और मेरा भाई हम लोग अलग हो गए थे, तो मैं और मेरे हस्बैंड उन लोग को ढूंढ रहे थे, पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए थे। तो यहाँ पे ना तीन ब्यूटी सेंटर है, एक है ब्यूटी सेंटर, एक है ब्यूटी बाज़ार और एक ब्यूटी इसेंस, ऐसा कुछ नाम है। तो ये तीन रोड है, तीनों में ही मार्केट लगता है और तीनों में ही ये ब्यूटी सेंटर। तो वहीं पे हम लोग कन्फ्यूज़ हो गए थे, मेरी मम्मी लोग खड़े थे ब्यूटी सेंटर के पास और हम लोग खड़े थे ब्यूटी बाज़ार के पास। तो हम लोग पूरा टाइम उनको ढूंढते रहे और फिर हम ब्यूटी सेंटर गए, मैं और मेरी मम्मी। हम लोग को वहाँ से कुछ सामान लेना था, लिपस्टिक वगैरह, मतलब कॉस्मेटिक के आइटम्स के लिए ये फेमस है ब्यूटी सेंटर वहाँ पे। तो जिसमें ना मतलब बहुत डिस्काउंट वगैरह मिलता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आते रहते थे हमेशा पहले से ही ब्यूटी सेंटर में। तो मम्मी को भी कुछ कॉस्मेटिक्स वगैरह लेना था, तो हम लोग ने ब्यूटी सेंटर से कॉस्मेटिक्स वगैरह ले लिए और फिर हम लोग ने अपनी शॉपिंग वगैरह कंप्लीट की। ये देखिए मेरी मम्मी ने लिया था वो फ्रिज में जो रखते हैं मैट, तो वो मैट लिया था, कुछ 100 रुपीज़ का इनको मिला था, उसमें 6 पीसेस थे। तो वही लेके फिर हम लोग आगे दूसरी तरफ चले गए थे, मतलब दूसरे रोड में चले गए थे। होम डेकोर के आइटम्स यहाँ पे बहुत ही सस्ते रेट में मिल जाते हैं आप लोगों को। ये देखिए 100 रुपीज़ में ये पिलो सेल कर रहे थे और ये देखिए ये ना जस्ट क्रॉफर्ड मार्केट के सामने ही लगता है, मार्केट है पूरा यहाँ पे। और रेडीमेड कुर्तीज़ वगैरह भी अच्छी अच्छी अवेलेबल है, पैंट वगैरह मिल जाती है रेडीमेड, मसाले, मतलब हर चीज़ मिल जाती है गाइस। और फ्रूट्स भी मिलता है यहाँ पे, हर वैरायटी के फ्रूट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, हर वैरायटीज़ के। स्ट्रीट पे कोई शॉप नहीं है, कोई स्टोर नहीं है, स्ट्रीट पे मिल जाएंगे आप लोगों को। तो देखिए ब्यूटी चलो आओ लो कहाँ पे है, ले 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 आज ये 1500 का धंधा किया कि नहीं। चलिए ये लोग तो मेरे को अभी भी नहीं दिख रहे यहाँ पे, आप कॉल करो जरा। तो हम लोग अलग हो गए थे, तो हम लोग इसलिए मम्मी को ढूंढ रहे थे, वो हम लोग को मिल ही नहीं रहे थे, पता नहीं वो शायद ब्यूटी सेंटर के सामने खड़े थे और हम लोग ब्यूटी सेंस के। तो ये बेचारे अंकल भी अच्छे थे, उन्होंने हम लोग को बताया कि ब्यूटी सेंटर पीछे ही ब्यूटी सेंस है। तो फिर हम लोग ब्यूटी सेंटर के पास गए और वो ब्यूटी सेंटर यही है ना, ब्यूटी सेंटर ये नहीं है, पीछे से है क्या। तो ये देखिए बहुत ही मुश्किल से हम लोग ब्यूटी सेंटर के पास पहुंच चुके हैं, बहुत थक भी गए थे हम लोग, एक दूसरे को ढूंढते ढूंढते ही आधा तो टाइम गुजर गया। तो गाइस बीच में ही मेरा माइक भी बंद हो गया था, उसकी बैटरी डेड हो गई थी, तो मुझे पता भी नहीं चला जो मैं बोल रही थी वो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ, तो मुझे फिर वॉइस ओवर देना पड़ा। बहुत सारी जगहों पे मैंने वॉइस ओवर दिया है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। एक्चुअली मेरा माइक मैंने न्यू लिया था तो मुझे उसका समझ में नहीं आ रहा था, बैटरी लो हो गई थी मे बी शायद, तो इसलिए वो डेड हो चुका था। तो अभी देखिए मैं मार्केट में उन लोगों का ही वेट कर रही थी, ढूंढ रही थी, पता नहीं वो लोग कहाँ थे और हम लोग कहाँ थे। फिर फाइनली वो लोग मिल जाते हैं और हम लोग ने एंटर किया है ब्यूटी सेंटर में। एक्चुअली वहाँ पर रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा ही शॉट लिया वहाँ का और फिर मैं बाहर निकल गई, जो हमें सामान लेना था हम लिए और फिर हम बाहर निकल गए। बाहर आने के बाद हम लोग ने जूस पिया और वहाँ पे मैंने सोचा अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ और मैं इसका सेकेंड पार्ट लेके आऊँगी मीनारा मस्जिद का,
जो रहेगा फूड ब्लॉग। तो यहीं पे मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। मैं वही कह रही थी कि गाइज यहाँ का टूर अभी ख़त्म होता है, अब मैं आप लोगों को मिलूंगी पार्ट टू में, या पार्ट टू में मीनारा मस्जिद का मैं टूर देने वाली हूँ आप लोगों को, वहाँ की होटल का रिव्यू देने वाली हूँ। तो आप लोग प्लीज़ पार्ट टू ज़रूर देखना, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। तो आइए मैं भी जूस पी रही हूँ, आप लोग भी मेरे साथ आकर जूस पीजिए। और मुंबई में अगर आप जाते हो तो मस्जिद बंदर में आप ज़रूर जाना, वहाँ की मार्केट इंजॉय करना। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया गाइस तो मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना। और नेक्स्ट आप लोग क्या कौन सा व्लॉग देखना चाहते हो, या कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप आउट ऑफ मुंबई रहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं आप लोगों के लिए मुंबई का टूर ज़रूर लेकर आऊँगी किसी दिन। और मुंबई में और जो जो चीज़ फेमस है वो सारी चीज़ों का मैं व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को इसी तरह से लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।